जय हिंद। मैं दीपक शर्मा आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल हरियाणा अपडेट डेली न्यूज में। और वक्त हो चला है रेवाड़ी की रात की बड़ी खबरों की। देखिए, रेवाड़ी में सुनार की दुकान में चोरी हुई है। रेवाड़ी जिले के गांव भाड़ावास में चोरों ने सुनार की दुकान का शटर तोड़कर लाखों रुपये की चोरी की। चोर दुकान से 2 किलो चांदी, सोना और 6,000 रुपये कैश चोरी करके ले गए हैं। पीड़ित दुकानदार ने आरोप लगाया है कि 200 मीटर दूर पुलिस चौकी में खुद जाकर सूचना दी, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आई। डायल 112 पर सूचना देने के बाद भी पुलिस नहीं आई। गांव पड़ावास निवासी रोडवेज के रिटायर्ड कर्मचारी बनवारी लाल ने अपने घर के नीचे ही दुकान की हुई है। मंगलवार रात को वह दुकान को अच्छी तरह बंद करके सोया था। आधी रात को चोरों ने उसकी दुकान का शटर तोड़ दिया, अंदर रखी तिजोरी का भी ताला तोड़ा। उसमें रखी 2 किलो चांदी, लाखों रुपये के सोने के आभूषण और 6,000 रुपये कैश चोरी कर लिए हैं। बुधवार सुबह जब बनवारी लाल उठे तो शटर का ताला है वो टूटा मिला और अंदर सारा सामान बिखरा हुआ था। तिजोरी चेक करने पर भी आभूषण गायब मिले। बनवारी लाल ने बताया कि उनकी दुकान से गांव भाड़ावास पुलिस चौकी की दूरी महज 200 मीटर की है। वह खुद चौकी में जाकर चोरी होने की जानकारी देकर आए, लेकिन उसके बाद भी पुलिस मौके पर नहीं पहुंची। बाद में डायल 112 पर भी सूचना दी, लेकिन वो भी नहीं पहुंचे। डायल 112 पर पहुंचे कर्मचारी ने गांव भाड़ावास चौकी पुलिस को मौके पर बुलाया। पुलिस ने चोरों को सुराग लगाने के लिए फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट बुलाए हैं। पुलिस ने मौके से काफ़ी सबूत इकट्ठे भी कर लिए हैं और आगे कार्रवाई की जा रही है। आगे खबर की बात करेंगे तो आपको बता दें कि रेवाड़ी में सरकारी स्कूल पर लगाया ताला। धरने पर बैठे बच्चे बोले, 2 कक्षाओं के टीचर भी नहीं है, कैसे पढ़ेंगे और हम कैसे पेपर देंगे। देखिए, रेवाड़ी जिले के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी के कारण विद्यार्थी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बुधवार को भी तुर्कियावास स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के बच्चों ने गेट पर ताला लगा दिया और बच्चों के साथ ग्रामीण भी स्कूल के गेट पर ही धरना देकर बैठ गए हैं। उन्होंने कहा कि टीचरों की कमी की वजह से ये ताला लगाया गया है। आज की खबरें यहीं तक, फिर मिलेंगे हम इस समय।